नेम्स। हाय, मेरा नाम मुनीब है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट और ज्यादा क्रिएटिव इंसान। बचपन से टीनेज और टीनेज से जवानी तक मेरी जिंदगी काफी रॉकिंग जा रही है। घर से कॉलेज, कॉलेज से काम, काम से घर, घर से कॉलेज, कॉलेज से काम, घर कॉलेज काम, घर कॉलेज काम, घर कॉलेज काम, घर कॉलेज। पर मैंने भी हार नहीं मानी, बस्ता पकड़ा, बस पकड़ी और लाहौर से सीधा हुंजा जा पहुंचा। पर हुंजा जाके सोचा कि यहाँ आ तो गया हूँ पर यहाँ अकेला करूंगा क्या। अबे क्या कह रहा है? चिल मार रहा हूँ, तू बता। यार हुंजा आया हूँ, शदीद आवाज आ रही है। चल एंजॉय कर, आ जाए तू भी। पागल हो गया बड़ा यार कुत्ता है। अबे लड़कियां भी आई हुई यहाँ पे। Come on, day one, Hunza. इस वक्त हम अल्तित फोर्ट की तरफ जा रहे हैं और मेरे साथ नूर हैं, खिजर हैं। खिजर मुझे बताएंगे कि आपने ये वॉल आइसक्रीम वाली टोपी क्यों पहनी है? यार ये मेरी मजबूरी समझ। मेरे पीछे वो जगह है जहाँ पे जब अल्तित फोर्ट के किंग को डिफीट हुई थी तो उसे इसी के अंदर चुनवा दिया गया था। अब मैं इस वक्त अकेला हूँ तो मुझे डर लग रहा है कि अंदर से आवाज़ ना आ जाए। कोई है ना? टूर गाइड ने जलील करके निकाला है, कहती है अगर मेरी बात नहीं सुननी तो बाहर निकल जाओ। तो बाहर निकल गए, ये तो देख। सबसे मजेदार चीज यहाँ पे ये है कि इन्होंने हिस्ट्री बताने के लिए ना गाइड वगैरह नहीं रखे हुए, तस्वीरें लगाई हुई है कि मेरा भाई खुद देख और घर जा। इस फोर्ट की सबसे कूल बात यह है कि यहाँ पे दरवाजे जो है ना वो चार चार फुट के, उसकी रीजन ये जैसे दुश्मन आता था अब साथ ही गर्दन काट देते थे। मुझे ये देख के बड़ी हैरत हुई है, जितने बड़े बेडरूम में बादशाह रहता था उतने बड़े बेडरूम में हम रहते हैं। ना कर, फोटोग्राफर्स के साथ ट्रिप पे आने का एक ही नुकसान है, इनकी फोटोग्राफी नहीं खत्म होती। ये वो जगह है जहाँ पे किंग को अपने लॉयल को टेस्ट करना होता था, इस जगह से वो बंदा उधर जम मार के वापस आता था। ना आया तो काम से गया और अगर आ गया तो अपना बॉय है। भाई जान, 100 का इजी लोड तो कर दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेमी जो है वो बूमरैंग में आने से पहले मेरी इलस्ट्रेशन की टीचर भी थी और इतना अच्छा मेरा रिजल्ट था कि उन्होंने एनसीए छोड़ के अब बूमरैंग स्टार्ट कर दिया। मैं इसी से इम्प्रेस हुई थी बेसिकली। मेरे से नहीं हुई। आप अपनी एक दुनिया में खोए हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं, एक छोटी सी स्पेस ली थी बस मैंने उसके अलावा। छोटी सी स्पेस और ये नहीं। भाई आपकी बंदूक कहाँ पे? बंदूक मैंने अभी रखी है यार, आवाम जो है ना परेशान थी इससे। नहीं बंदूक है इनके पास, ये देखें। इस कैफे की खास बात ये है कि यहाँ को चलाने वाली सिर्फ खवातीन है। शायद ये छोटी जगह औरत और मर्द की बराबरी के लिए एक बड़ी मिसाल है। बूमरैंग ट्रैवलिंग कंपनी है जिसके अंदर हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम कैंपिंग और ग्लैम्पिंग करवाते हैं, लेकिन हम एज के मुताबिक इस तरह के करवाते हैं कि सब इंजॉय भी कर सकें और इजी फील भी कर सकें। दैट वाज अल्तित फोर्ट और अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जगह तो बहुत प्यारी है लेकिन धूप भी बहुत सख्त है। हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ क्या चीज़ है? यार देखो हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे वो वाला माहौल होगा, वहाँ पे जाकर हम वो वाली बातें करेंगे जो हमने यहाँ पे नहीं की थी। वो वाली बातों का तो नहीं पता पर वो वाली चाय आदाबे। हाय, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। ये बंदा हमेशा बैकअप का ख्याल रखता है। इस वक्त हम सारे दुईकर की तरफ जा रहे हैं जो ज़्यादातर ईगल नेस्ट के नाम से मशहूर है, उधर सनसेट देखते हैं।
जिंदगी में सबसे बड़ा पता है गम क्या होता है, जब कोई जब किसी को आप बताते ना कि आप व्लॉगिंग स्टार्ट किया आपने, तो आपसे पहला ये सवाल करते हैं कि आपके सब्सक्राइबर कितने उसके बाद ही बंदा कहता है कितने हैं तेरे सब्सक्राइबर, ये देख लें आप नहीं बता देख के तरस खा के कुछ बढ़ाई ने ये देखो लोग वादे मार रहे हैं तुम्हें, तुम कह रहे हो लोग आवाज मार रहे हैं हमारी तस्वीर खींचने कहने वाले मुझको फरेबी कौन फरेबी है ये बता, वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर या जिसने प्यार को बेच दिया। रात के 4 बजे हम लोग ईगन लेस्ट पे वो देखें चांद, फ्रंट कैमरा चल रहा होता तो मैं आपको एक और चांद दिखाता। जिंदगी में लोग या तो आपका साथ देते हैं या नहीं देते, मैं बस इतना जानता हूं कि ये जिंदगी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इस सफर में रास्ते और भी हैं। सब्सक्राइब कीजिए।